अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान खान और CSS के कंप्लीट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वेल तो व्यूअर्स, जैसा आप लोगों को पता है कि अब तक हम CSS में बहुत सारा काम कर चुके हैं और एक कंप्लीट वेबसाइट भी हमने डिज़ाइन की है, वेबसाइट का एक लेआउट भी बनाया है। और तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन चेक करेंगे। अब तक जो हमने वेबसाइट का लेआउट बनाया है उसे हमने ऑफलाइन चेक किया है। ऑनलाइन चेक करने के लिए इसे मैं अपने सर्वर में अपलोड करूँगा और ऐसे एक एड्रेस दूंगा और ऑनलाइन हम इसे चेक करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो अगर आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है CSS3 या HTML या CSS या HTML5 या PHP के कम्बिनेशन से आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है प्रोफेशनल, तो उसे ऑनलाइन चलाने के लिए आपके पास कोई डोमेन होस्टिंग होनी चाहिए जो कि आप किसी भी डोमेन होस्टिंग परचेसर से ख़रीदते हैं। तो मैं आपके सर्वर में अपलोड करता हूँ इसे, तो जिससे आप लोगों को बेहतर रहनुमाई मिल जाएगी कि हम किस तरह ऑनलाइन इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा सी पैनल है मेरे सर्वर का जिसमें मैं एंटर हो चुका हूँ। vitamc.com में तो एक वेबसाइट ऑलरेडी मेरी चल रही है, तो उसमें मैं अपलोड नहीं करूँगा बल्कि एक सब डोमेन बनाऊँगा और सब डोमेन में मैं जाके इस वेबसाइट को अपलोड करूँगा जो मैंने CSS में बनाई है। सब डोमेन में हम चले जाते हैं, यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ CSS, आगे .vitamc.com, कम्प्लीट एड्रेस इसका होगा css.vitamc.com। यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये मैसेज शो कर रहा है कि css.vitamc.com हैज बिन क्रिएटेड, गो बैक। बल्कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। और वेबसाइट अपलोड करने के लिए आपके पास फाइल विला एक सॉफ्टवेयर है, वो होना चाहिए, आप लोग के PC में रन होना चाहिए वो। ओके, हम फाइल विला को ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड में वो ही एंटर करूँगा जो जिससे मैंने होस्टिंग और डोमेन परचेस किया था और मुझे जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला था। और यहाँ पे मैं अपने डोमेन का नाम लिखूँगा जिसके लिए मैंने होस्टिंग और डोमेन खरीदी थी और .com परचेस किया था। यहाँ कोई कनेक्ट क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास, मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे मैं www में चला जाऊँगा। यहाँ से ये CSS का जो सब डोमेन ऐसे चूज़ करूँगा। और अपलोडिंग के लिए मैं यहाँ से जो मेरी फाइल है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है, डेस्कटॉप में चला जाऊँगा और यहाँ पे जो CSS लेआउट का फोल्डर है इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से Ctrl+A करके इसे मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ डायरेक्टली भी, या फिर इस पर राइट क्लिक करके अपलोड पे भी क्लिक करके इसे अपलोड कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास जो वेबसाइट है इसकी फाइल अपलोड हो गई है सब डोमेन में। अब हमें ये मैसेज शो कर रहा है, स्टेटस हमें शो कर रहा है कि डायरेक्टली रिसीव सक्सेसफुली, यानी कि हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं ऑनलाइन css.vitamc.com। इस
फील है जगह चेक ये ओपन हो रही है हमारे पास CSS, हम इसे किसी और उसमें अपलोड कर लेते क्योंकि इसमें मैंने पहले भी अपलोड की थी तो कैशे का थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लिए हमारे पास ये ऑनलाइन अब चल रही है हमारे पास। एक्चुअली वो css.btmc.com में मैंने जो वेबसाइट अपलोड की थी वो इस वजह से नहीं चल रही थी क्योंकि css.btmc.com में मैं ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट अपलोड की हुई थी और फिर उसे डिलीट कर दिया था तो उसके कैशे में वो जो उसकी जो पुरानी फाइल्स थी जो डिलीटेड फाइल्स थी उनमें से कोई एक फाइल रह गई थी या वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी थी उसमें कुछ नहीं था तो वो कैशे में पुरानी हमारे पास फाइल्स थी इस वजह से वो ओपन नहीं हो रही थी तो कैशे यहाँ से रिमूव कर लें या पिटी कर लें क्लियर कर लें तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हमने forums.btmc.com में जब इसे अपलोड किया तो आप देख लें कि जो वेबसाइट मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बनाई थी ये वही वेबसाइट है हमारे पास जो कि ऑनलाइन अब चल रही है। एड्रेस इसका ये है forums.btmc.com। मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा बेस्ट आप लोग बाद में चेक भी कर सकते हैं इसे। तो होप्स हो कि एक वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन होती है HTML में किस तरह डिज़ाइन होती है CSS में किस तरह डिज़ाइन होती है CSS और HTML की कम्बिनेशन से किस तरह हमारे पास एक कम्प्लीटली वेबसाइट बनती है। आप PHP में बनाए वेबसाइट आप JavaScript में बनाए इनकी कम्बिनेशन से jQuery वगैरह इनकी कम्बिनेशन से आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाए लेकिन अपलोड करने का मेथड यही है जो मैंने अभी आप लोग को बताया है वेबसाइट अपलोड करने का। लेकिन याद रखिएगा कि जो मेन पेज है उसको आपने इंडेक्स का नाम देना है। अगर इंडेक्स का नाम नहीं देंगे तो आपकी फाइल एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो हमारे पास मेन फाइल है वो index.html के नाम से जो हमने ली थी उसी से हमारे पास एक्सेस हुआ है तो इंडेक्स नाम देना लाजमी है। तो होप्स हो कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेबसाइट बेसिकली ऑनलाइन किस तरह चलती है अपलोड किस तरह करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर।